राम राम। नमस्कार सभी ने। आज मुक्तेश्वर ट्रिप का दूसरा दिन है। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, जिसमें कवर कराया था गुड़गांव से मुक्तेश्वर तक का सफ़र, मुक्तेश्वर धाम और चोली की जाली, जहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। मैं रुका था ट्री हाउस में, वो भी कवर कराया है पिछले वीडियो में। इब यहाँ से मैं जान लग रहा हूँ भालूगढ़ वाटरफॉल, जो कि मेन टूरिस्ट स्पॉट में आवा है मुक्तेश्वर में। उसके बाद जाऊँगा कैंची धाम, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है, और वहाँ से नैनीताल। तो बने रहना वीडियो के आखिर तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो बनाने के सारे तामझाम की डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। कौन सा कैमरा है, कौन कौन से अलग अलग एंगल वाले माउंट हैं। अकेला बंदा भी अगर ट्रैवल करे तो इन सब माउंट की हेल्प से बढ़िया वीडियो बनाए जा सके हैं। यो जो कच्चा रास्ता दिखने लग रहा है, यो ट्री हाउस की पार्किंग तक का रास्ता है, और यह प्रॉपर्टी मेन रोड से थोड़ी नीचे उतर के है। थार जैसी गाड़ी ने इसे कच्चा रास्ता पर चलाने में ज्यादा स्वाद आवे। कैमरा हो गया है सेट, ई पहुंचांगे वाटरफॉल। भालूगढ़ वाटरफॉल मुक्तेश्वर से 10-12 किलोमीटर दूर है, और वो थोड़ी सी रिमोट सी जगह पड़ा है। बस तो मैंने जाती नहीं देखी वहां पे। तो लोग क्या करें है, नैनीताल से बाइक वगैरह रेंट कर लें और वो मुक्तेश्वर आ जाएं घूमने। वो बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन। उसके अलावा कैब टैक्सी वाले तो ऑप्शन हर जगह मिले जावे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करने का प्लान करने लग रहे हो तो बाइक स्कूटी कैब का जुगाड़ नैनीताल या भीमताल से कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नैनीताल से जो मुक्तेश्वर का रूट है वो गजब का रूट है बाइक ट्रिप का तक। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अपने गाड़ी भी लेके आने लग रहे हो तो नैनीताल छोड़ दो, वहाँ से बाइक लो और मुक्तेश्वर आओ घूमने। वाटरफॉल के लिए एंट्री इस गेट से है, और यहाँ के लिए टिकट भी लगा है तो वो इस गेट पे मिलेगी। 50-100 रुपये पर पर्सन टिकट है। वीडियो पॉज करके देखोगे तो सामने बोर्ड पे लिखी हुई दिख जाएगी, और टाइमिंग्स वगैरह का भी आइडिया लग जाएगा यहाँ से। एंट्री गेट से वाटरफॉल तक का 1 किलोमीटर का ट्रैक है, या यूं पतली सी ट्रेल बना रखी है बढ़िया। आधे रास्ते सीढ़ी मिलेंगे, आधे रास्ते प्लेन है, आसान है ट्रैक। खान पीन के भी चौखे ऑप्शंस मिल जाए रास्ते में। थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टॉल्स मिल जाएंगे चाय, मैगी, जूस खातर। मैं मार्च में गया था यहाँ पर, तो ऑफ सीजन में तो वाटरफॉल कम, नाले ज़्यादा लग गए, सब क्यों सूखा पड़ा है। पर वो बढ़िया है, किलोमीटर की हाइक हो जाए है, थोड़ा सा बढ़िया लग गया पैदल चल के भी। यूं जगह जगह चेयर लगा के बैठने का भी बंदोबस्त कर रखा है। इसके अलावा भी कुछ स्टॉल्स ऐसी हैं जिनने अपनी टेबल चेयर इस तरह पानी के अंदर रख रखी हैं, जिसमें पानी में पैर डुबा के बैठ सको आराम से, खाते पीते टाइम पूरा एंजॉय लो। पूरी चौचलेबाजी है इस ट्रैक पर। वैसे तो मुक्तेश्वर खुद है ऑफ बीट जगह है, एक पूरी शांति मिलेगी उस जगह पर उस तो भी घनी शांति चाहिए, जमा एकदम संन्यास काटने वाला सा माहौल अगर चाहिए कि भाई कुछ नहीं देखना है,
तो ये कैंप दिखे थे रास्ते में, यहाँ रुकिया जा सका है। इस पर बस यह ट्रेल दिखेगी, वाटरफॉल और आजू बाजू कुछ नहीं। इस कैंप तक पहुंचने खातर भी ट्रैक करके आना पड़ेगा। गाड़ी बाइक का तो कोई रास्ता दिखा नहीं, वो बाहर पार्किंग में छोड़ के आनी पड़ेगी। मॉनसून सीजन में तो वाटरफॉल पूरे जोश में रहे हैं, तो बढ़िया फ्लो रहता होगा पानी का उस टाइम। वो अगर ओवरऑल देखा जावे या पूरी ट्रेल तो बढ़िया थी वॉक करने खातर। चाय पानी पीने के भी ऑप्शन है गणे, रास्ते में उठते बैठते आओ अपने आराम से। यह आ लिए हैं वाटरफॉल के पास। पानी यहाँ का एकदम बर्फ जैसा ठंडा था, इसीलिए मतलब थोड़ा बढ़िया दिख गया यहाँ से वाटरफॉल वाला माहौल, नहीं तो जनता कुदती पावर पानी का। मैं यह था भालूगढ़ वाटरफॉल। ये भी यहाँ से कैंची धाम होते हुए पहुँचूंगा नैनीताल। रास्ते में रुका था यहाँ लंच करने खातर। मिक्स परांठे इनके थे गजब के, नाम इस बोर्ड पर दिखे जाएगा। यह रास्ता है मुक्तेश्वर से नैनीताल तक का। यहाँ मजा आओ सबसे ज़्यादा तो बाइक पे। एकदम पूरी वैली का व्यू, ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं, एकदम साफ आसमान। मुक्तेश्वर से कैंची धाम लगभग 45 किलोमीटर दूर है, डेढ़ दो घंटे का सफ़र है, आराम आराम से रुकते रुकाते जाओ तो। और यो रूट ड्राइव इंजॉय करने वाला रूट है पूरा। कैंची धाम की अगर बात करें तो धाम की स्थापना की थी श्री नीम करौली बाबा ने, हनुमान जी का मंदिर ही बोल सकते हो। वहाँ पे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरवन का पाठ करते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने विजिट करा है ये धाम। स्टीव जॉब्स हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, और अभी रिसेंटली विराट कोहली ने भी विजिट करा था। काफ़ी मान्यता है इस धाम की, बोलते हैं यहाँ की हुई प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। ये धाम के बाहर का नज़ारा है, अंदर कैमरा अलाउड है नहीं तो मेन गेट तक के ही दर्शन होंगे अभी।
दर्शन करने के बाद ईब रुख कर लिया है नैनीताल की तरफ। इतनी शांति वाली जगह से ऐसी भीड़ भड़ाके वाली सिटी में आओ तो ऊँ जी खराब होने लग जाए। अरे वो तो सिटी में घुसे भी नहीं हर यहाँ से ही देखो गाड़ियाँ की लाइन लग गई है पार्किंग। ईब एक दिन का स्टे है नैनीताल में, उसके बाद घर वापसी। और स्टे है शेरवानी हिलटॉप होटल में, बढ़िया प्रॉपर्टी थी, वह एक नंबर का रिजॉर्ट सा, पर वो दूसरी साइड है नैनीताल के, पूरा नैनीताल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ईब यहीं से मॉल रोड आओगा, उसके एक तरफ तो मॉल रोड है, दूसरी तरफ लेक दिखेगी। अरे भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो यो काम जरूर कर ले पहले। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आन दो कमेंट बॉक्स में। इब देखो नैनीताल शहर आराम से बैठ के।